ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक पिकअप ट्रक खरीदा था, और भाई वो वाला जो पिकअप ट्रक है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर अपन काफ़ी सारा सामान भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई, पहाड़ों में क्या ही प्यारी सी सुबह यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर लो इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा बिजली का बिल आ रहा है हमारे सुपर मार्केट में। एंड आज के इस एपिसोड में गाइज, मेरे पास तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा हो गया, लेकिन भाई वर्कर्स की जो है ना नेगेटिव में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है मेरे बैंक में, तो उनका भी आज अपने को जो है सारा का सारा उनका सैलरी वगैरह भी पे करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जो है अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरे अकाउंट में ना थोड़े $4,320 पड़े हुए हैं हमारे बैंक वाले अकाउंट में, सॉरी बैंक वाले अकाउंट में नहीं, हमारे कार्ड वाले अकाउंट में, ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे कार्ड में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलते गाइस, अभी जो है मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारा सामान वगैरह मंगा रखा है, और मेरे को ना एक चीज़ चेक करनी है, मैंने ऑफलाइन ना काफ़ी सारा सामान जो है ना सेल करा था, तो मेरे को एक बार देखना है कि इसमें कोई पंगा वंगा हो रखा है क्या, लाइक अगर मैं अभी जाके ऑन करूँगा गेम रिस्टार्ट करने के बाद में, तो अगर मैं पैसा कलेक्ट करता हूँ तो क्या पैसा कलेक्ट कर नहीं सकते क्या अपन, या रीसेट हो जाता है कोई पैसा वैसे का सीन, मेरे को एक बार चेक करना है अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। चलो, ये तो हमारी पुरानी वाली गाड़ी है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ है भाई, एक तो ना इधर उधर हिल जाती है ना हल्की सी, तो बहुत पंगे बैठ जाते हैं इसके अंदर। एंड इसी के साथ गाइस, आज के एपिसोड में अपन एक ट्रक खरीदने वाले हैं जिसके अंदर अपन, यू गाइज नो भाई, ढेर सारा सामान अपन यहाँ पे भर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना भाई, अपन थोड़े बहुत आज नए वाले सेल्फ्स लेकर आने वाले हैं, ताकि हमारा जो ये हमारा सुपर मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन जाए यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे से अपन सामान वगैरह रख सकें। और तुम लोग देख सकते हो हमारा पिकअप ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ है भाई। एंड पता नहीं मेरे को भाई, बार बार जो है ना ये गेम मेरे को अपने घर पर फेंक देता है भाई, पता नहीं क्यों, बिना लाइक कोई रीज़न भी नहीं है। मैं पता क्या लगता है मेरे को, वहाँ पे सोने का शायद से एक ही रीज़न है कि वहाँ सोते हैं ना तो हमारी गाड़ी जो है ना वो घर पे रीसेट हो जाती है, इसलिए मे बी अगर मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूँगा ना तो मे बी अपने घर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं बेड वगैरह यहीं पे लगा दूंगा फिर तो, यू नो वर्कर सैलरीज देख रहे हो तुम लोग, $1,000 तो इनके भाई, ठीक है भाई। तो अपना पिकअप ट्रक तो ये है, और मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है इसके अंदर, तो आज अपने को पहले सारा सामान बिकवाना है, ठीक है। वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को ना अभी और भी काफ़ी सारा सामान लेने जाना है, और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई, यहाँ पर ना मेरे को अभी काफ़ी सारा सामान वगैरह भी और लेकर आना है, और यहाँ पर देख रहे हो वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेकर आया था, लेकिन भाई इधर उधर ही मैंने पटक दिया सारा कुछ, अभी इसको भी अच्छे जमाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना बिक जाता है ऑटोमेटिकली, तो कोई सीन नहीं है इसका, कैट फूड बिक चुका है। तो यहाँ पर एक बार ना मैं कलेक्ट करता हूँ, और एक सेकेंड, तुम लोग मुझे कह रहे हो कि पहले हमारे जो वर्कर्स थे इनकी मूछें वगैरह नहीं थी, और इसकी अब मूछें वगैरह आ गई है, मुझे कोई आइडिया नहीं आएगा, इसमें मुझे एक बार ना कॉमेंट करके तुम लोग बताना, ठीक है। चलो, यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, वाओ ठीक है, तो मतलब कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं है, वो कुछ तो सीन वीन हो रहा था, पता नहीं क्या सीन था, बट ठीक है। चलो अभी जो है काम करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप में चलता हूँ, यहाँ पर अपन सेव गेम कर लेते हैं, एंड इनकम वगैरह काफ़ी बढ़िया हो रही है हमारी अभी, तो एक वेंडिंग मशीन अपन यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। सनग्लासेस का डिस्प्ले भी मैं लगा लेता हूँ, $1,000 का है हमारे पास, देखो गाइस भाई कितना, अबे ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारा पैसा है अभी भी। चलो अभी काम करते हैं, ये सब मैं पहले नहीं, इसको रहने देता हूँ, ऑटो पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कर देता हूँ, ताकि ये ऑटोमेटिकली पे कर देगा, फिलहाल मैं कर देता हूँ, $150 चलेगा इसमें। और सेकंड फ्लोर अपन खरीदेंगे $5,000 का, लेकिन अभी नहीं खरीदना मैं, ठीक है, अभी अपन जाएंगे और हमारे लिए एक ट्रक लेकर आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार, स्कूटर भी ले आऊँ क्या मैं, अरे हाँ हाँ, रुको रुको रुको, इस पिकअप ट्रक को ना यार, इसको ख़रीदने का फ़ायदा क्या हुआ मेरा, मतलब बढ़िया तो है, आई गेट इट, बट लेकिन ट्रक में ना ज़्यादा सामान अपन और रख पाएंगे, तो कोई सीन नहीं है। इस वाले पिकअप ट्रक को ना मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ठीक है, कोई सीन नहीं है ब्रो। एंड मैं जो है थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा के आ जाता हूँ, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो भाई मेरी अभी बहुत बुरी हालत हो रखी है, और मेरे को ना एक और बेड लेकर आना है, मेरे को टेस्टिंग करनी है कुछ तो, अबे यार इसकी ऐसी की तैसी, मेरे को ज़रा यहाँ पे रोक देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि कुछ खावा लेते हैं यहीं से, रुक जा बेटे, चलो यहाँ पर आराम से बैठ के खाना वाला ठूस लेते हैं भाई, ठीक है। और मेरे को ना अभी वापस से जो है अपने वापस सुपरमार्केट में जाना है, क्योंकि मैंने पीछे जो है हमारे लिए एक वॉशरूम वगैरह लगा रखा है, तो अपने को वो सारे वॉशरूम वगैरह यूज़ भी करने पड़ेंगे भाई। तुम देख रहे हो नीचे बहुत ज़ोर की टॉयलेट आ रही है, और मेरे को बाथ भी लेना पड़ेगा जाके, रुक जाओ नहा के भी आ जाएंगे साथ साथ में, पूरा एकदम क्लीन होकर आएंगे, ठीक है। एंड मैं अपनी शॉप को ना काम कर देता हूँ, अपना लैपटॉप मैंने यहाँ रखा हुआ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा यहाँ से, एंड अरे इन्वेंटरी में जाते हैं, लैपटॉप को ना मैं ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ, रुको, अरे ये वॉशरूम, सॉरी माय बैड गाइस, लैपटॉप, अरे भाई ओके सर, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आराम से पूरा मैनेज कर पाऊँगा इसको, इसलिए सो इसके इसमें जाते हैं, सेव गेम कर लेता हूँ भाई। और यहाँ पर एक बार रुको, तो मैं ये भी लेकर आया था ना, कैन की सेल्फ से लेकर आया था, ओ हाँ, एक काम करता हूँ,
मैं सोच रहा हूँ ना कि क्यों ना हम लोग, रुक जाओ अभी मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक डोर फ्रेम है और एक दीवार है ना, तो मैं इसको यूज़ करने की सोच रहा हूँ एक्चुअली। मैं लाइक मैं इसके आगे पीछे लगा सकता हूँ सामान वगैरह, समझ रहे हो। रुक जाओ, क्या पता अगर मैं यहाँ लगा पाया ना तो शायद मैं लगा पाऊँ यहाँ पे भी। रुको यार, बस थोड़ी दिक्कत ये है ना कि ये ना थोड़ा स्ट्रेट नहीं है भाई, पता नहीं अजीब तरह से लगता है ये। एक बार रुको, मैं क्लिक करके देखता हूँ कि ये अच्छे से तो लग गया बे, नाइस। मैं सोच रहा हूँ ना इसके पीछे भी एक सेल्फ लगा दूंगा और इस साइड में भी लगा दूंगा, ताकि ना ये थोड़ा बंद सा रूम हो जाए। मतलब रूम नहीं बना रहा, एक तरह से दीवारें ही ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पैसा तो बहुत है, एक ट्रक लेकर आते हैं। और ये गाइस नो ब्रो, लेकिन यार ट्रक तो मैं ले आऊँगा, कोई सीन नहीं है, रुक जाओ। ठीक है यार, अपने को ना पैसा बहुत सारा चाहिए भाई, लिटरली पैसा अपने को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेरे को ना बहुत काम करना पड़ेगा इसमें। आई डोंट थिंक सो मैं सेल्फ वगैरह खरीद पाऊंगा, क्योंकि 4,500 का तो भाई वही आ जाएगा इसलिए ट्रक यार। एंड ट्रक खरीदना ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी सारा एक बार में सामान भर के भी लेकर आ सकते हैं अपन। इसलिए यार मतलब खर्च करने के टाइम पे ना पैसा पूरा का पूरा मेरा ना यूँ खर्च हो जाता है भाई, टाइम भी नहीं लगता बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर कि गाड़ियों का शॉप कहाँ पर है। ओके ठीक है, चलो मेरे को पता लग गया भाई। कभी कभार ना इसका मैप थोड़ा एक बार देखना पड़ जाता है, क्योंकि ना इतने सारे गेम्स खेल रहे हैं ना अपन, इसलिए। सो कोई सीन नहीं, चलो अभी फटाफट से निकलते हैं। मेरे ना कार्ड में 4,000 पड़े हुए, लेकिन मैं उनको ना निकालना नहीं चाह रहा। उसको निकालने का रीज़न ना मेरा बस एक ही है, ठीक है। और वो ये है कि भाई उसमें ना बिल्स पे करने मेरे को, और आई थिंक अभी जो मैं ट्रक लेकर आने वाला हूँ ना, वो भी शायद से 4,000 में से ही कटने वाला है। तो मे भी मेरे को कार्ड में भी पैसे डालने पड़ सकते हैं, और थोड़ा सीन हो सकता है गाइस। रुको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि यार प्लीज़ यार कार्ड में ना डालने पड़े, क्योंकि भाई देखो $1,000 तो मेरे ऐसे ही कटने वाले हैं बिकॉज ऑफ वर्कर्स। साला मैं तो इनको इनकी सैलरी नहीं दे रहा भाई, मेरे लगने वाले बहुत गंदे वाले, और मैं वॉशरूम का यूज़ करना भी भूल गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट गाइस, आई एम लिटरली सो सॉरी अबाउट दैट। कोई सीन नहीं, अभी रुक जाओ, अभी सारा कुछ करेंगे, ठीक है भाई। ये भी नहीं चढ़ रखा है यहाँ पे भाई, मतलब मेरे को यहाँ आने के लिए ना यही गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि इससे फास्ट कोई गाड़ी है ही नहीं जो यहाँ पर आ सके भाई। बहुत सीन होने वाला है भाई इसके अंदर भी। वैसे ये वाला गेम काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत ग्राइंड करने के बाद ना पैसा वैसा आ जाता है ना हमारे पास में, तो उसके बाद ज़्यादा इतना टफ नहीं रहता वाला गेम। मतलब इतनी सारी चीज़ें ना करने की है नहीं इसके अंदर, बस ट्रक खरीदो, गाड़ी खरीदो और रीस्टॉक करते रहो अपने सामान को, और पैसा ही पैसा भाई। अब कोई सीन नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रक आ जाएगा ना इसलिए। सो हेलो ब्रो, क्या हाल है? और तुम मेरे को ना काम करते भाई, स्पोर्ट्स कार देख रहे हो तुम? 45,000 भाई साहब, 45,000 ब्रो। ठीक है, अपन ने यहाँ पर ट्रक खरीद लिया, चलो। हो वो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे को अपना कार्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। काम करता हूँ, कार्ड से ना थोड़े बहुत पैसे मैं निकाल लेता, लेकिन कार्ड से सीधा बैंक में जाते हैं। साला ये बहुत सीन है भाई, मैं कार्ड से ब्रो सीरियसली मैं कार्ड से कैश को नहीं निकाल सकता। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो, ऐसे थोड़े ना होता है यार। यू डोंट ओन, अच्छा सॉरी, मैं ज़्यादा ही अपनी बाद में पता चला अपनी औकात तो कहीं हो रही है, अपन ट्रक चलाने वाले लोग हैं भाई। एक सेकेंड, हेलो, ये ट्रक कितना साइलेंट है, और भाई उसका इंटीरियर देख रहे हो कितना क्लीन है। डिजिटल ड्राइव, ओके, इसमें रेडियो भी है, चलता है क्या? नहीं चलता, कोई सीन नहीं है, बट इट्स लुकिंग वेरी गुड, और काफ़ी ही बढ़िया है भाई। आवाज़ भी नहीं कर रहा, एकदम साइलेंट ट्रक है भाई। हेलो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसकी स्पीड भी शायद है ना, पिकअप भी काफ़ी बढ़िया है इसका देखा जाए तो। एक सेकंड भाई, हेलो, कितनी स्पीड पर चल रहा है ये? ओए 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 ओ भाई, ओए ओए, अरे 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 भाई साहब, ये ट्रक बहुत खतरनाक है गाइस, लिटरली ब्रो ये ट्रक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी स्पीड देखी तुम लोगों ने? इसकी स्पीड भाई अभी पता नहीं कितने पे चल रहा था, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि नीचे वाली स्पीड है कि ऊपर वाली। ऊपर वाली आई थिंक MPH में है, नीचे वाली KPH। अबे एक सेकंड, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि मेरी इस ट्रक की स्पीड कितनी, 40 पर चल रहा है कि या 60 पर चल रहा है, क्योंकि नीचे कुछ और लिखा हुआ आ रहा है इसलिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक बार ना मैं ट्राई करके देखूंगा। जो हवा वो थोड़ा मतलब ऊँची जगह पर चढ़ना रहता है ना, वहाँ पर पता लगेगा अपने को कैसा है ये ट्रक भी, ठीक है। मैकरल फिश शॉल्ड फोर, अच्छा ठीक है भाई, मैं काफ़ी सारे फिश वगैरह भी लेकर आया था, लेकिन आई थिंक $31 से यार मेरे को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है वैसे देखा जाए ना। लाइक जितनी महंगी चीज़ तुम लगा के रखोगे ना वहाँ पे, उतना अच्छा खासा फ़ायदा तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। कैट फूड भी बिक गया, चलो, रुक जाओ, आराम से। इसकी लाइटें वाइटें तो रात को टेस्टिंग करेंगे भाई, लाइटें जला के रखता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा। ओ भाई
ट्रक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है देखा जाए तो। रुक जाओ अब इसको पीछे घुमाता हूँ, देखते हैं कि क्या सीन है भाई इस ट्रक का। ठीक है, आराम से आराम से आराम से, रुक जा। ओ ये चलो गाइस, हम लोगों का यहाँ पर ट्रक आ चुका है। काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में ये ट्रक। वाओ बाहर से तो बढ़िया लग रहा है देखने में, लेट्स सी पीछे से कितना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर में। ओ उसे ओपन अपन ड्राइव कर सकते हैं। ओ भाई साहब, अबे इसमें लिटरली काफ़ी हद से ज़्यादा सामान आ सकता है गाइस, वेरी नाइस। तो एक काम करते हैं, एग्स वगैरह तो मेरे पास रखे हुए हैं, आइसक्रीम भी रखी हुई है, तो अपन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो अभी हमारे शॉप में अवेलेबल है नहीं, अपन फ़ोन निकाल सकते हैं अपना और यहाँ पर जो है कस्टमर की कंप्लेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेन मांग रहा है, अच्छा ये कंप्लेंट्स है, लॉल मैं इसको कॉम्प्लेन पढ़ रहा था, सीरियसली ब्रो। ओके सो आई होप सो ये कंप्लेंस ही हो, ठीक है, कि कॉम्प्लेन वगैरह ना मांग रहा हो। अच्छा आई थिंक ये नो नो लिखा हुआ है ना, वो है ये नो नूडल्स चाहिए, पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, चॉकलेट बिस्किट चाहिए। ठीक है, सो चॉकलेट बिस्किट चाहिए, इसका हाई प्राइस चल रहा है यार, हाई प्राइस पे थोड़ी ना खरीदूंगा यार, फ़ायदा थोड़ा होगा ही नहीं अपना, फ़ायदा नहीं होगा तो भाई क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा तो मतलब क्या खरीदने का, राइट। नूडल्स खरीद सकता हूँ मैं, आई कैन बाय नूडल्स, और इसको ओपन रखेंगे यहाँ पर। भाई साहब काफ़ी ही हद से ज़्यादा स्पेस है, क्या मैं इसको यूज़, वी कैन यूज़ दिस, और पता नहीं क्या है ये डोली, क्या बोलते हैं इसको, डोली वोली जो भी है ये, वी कैन यूज़ दिस एज वेल। तो क्या मैं इसके ऊपर सामान रख सकता हूँ, इज़ दैट वट आई कैन डू विद दैट, दिस इज़ नाइस। लेकिन यहाँ पर अगर वो बढ़िया वाली रख देते हैं तो ज़्यादा मस्त मज़ा आता, पर ठीक है इट्स बेटर। नूडल्स रख देते हैं मैंने यहाँ पे, एंड अभी देख लेते हैं कस्टमर की कंप्लेंट्स। पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, तो पेपरोनी पिज़्ज़ा तो यहाँ पर मिलेगा जो कि हाई प्राइस पे चल रहा है भाई। चलो वेजिटेबल पिज़्ज़ा खरीद लेता हूँ मैं थोड़े बहुत तब तक के लिए, ठीक है, कोई सीन नहीं है। आई होप सो कि मैं इस पर मल्टीपल चीज़ें रख पाऊँ, बस चलो खरीद तो रहा हूँ इतना सारा सामान, और क्या चाहिए मेरे को, पेपरोनी पिज़्ज़ा हो गया, एंड फ़ोन निकाल भाई अपना। सो चॉकलेट बिस्किट मैं नहीं खरीद रहा, टूथपेस्ट अपन खरीद सकते हैं, टूथपेस्ट तो कैचअप हो गया, टूथपेस्ट कहाँ पर है भाई, टूथपेस्ट ये तो स्प्रे हो गया है, टूथपेस्ट अबे टूथपेस्ट कहाँ है तुम लोग कहाँ, इज़ दैट, ये तो सनस्क्रीन है, टूथपेस्ट, ओह दिख गया दिख गया दिख गया, मिल गया गाइस, मिल गया मिल गया मिल गया, नो इश्यूज़ विद दैट। सो मेरे को अभी देखना है कि मैं सही में इसके ऊपर और सामान रख सकता हूँ कि नहीं, तो इसको मैं ट्राई करना चाहूँ। ओ भाई एक बार में अपन चार डब्बे लेके जा सकते हैं, विच इज़ नाइस, जो मेरे को नहीं करना था ना सीरियसली मैंने वही कर दिया है अभी। इसको एक काम करता हूँ यहाँ रख देता हूँ, साला एक डब्बे में से ऐसा सामान निकल जाता है ना, बहुत बुरा लगता है भाई, लिटरली बहुत बुरा लगता है। चलो इनको यहाँ पे आराम आराम से रख देते हैं, ऊपर भी आ जाएगा उसके, लेकिन कोई सीन नहीं है भाई, बहुत जगह है यहाँ पे रखने की, आराम से अपन भाई। अरे यार तेरी भैंस क्या ट्रक में क्यों बैठ रहा है, तू ही बता मेरे को पहले, है डोली को उठा तू यहाँ से, इस डोली को बोलते हैं, और ये एक्चुअली मैं आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, स्टैप कार्ट करके, कार्ट की तरह ही काम कर दिया ये भी। सो अपन ने टूथपेस्ट यहाँ पर ख़रीद लिया है अभी, चॉकलेट बिस्किट नहीं खरीद रहा, सनस्क्रीन चाहिए और कपकेक चाहिए, ठीक है, कपकेक तो अभी नहीं खरीद सकता मैं, सनस्क्रीन मैं खरीद लेता हूँ यहाँ से। एक सेकंड, मैंने हाई प्राइस पे ख़रीद ली क्या इसको, नहीं गुड प्राइस पे ख़रीदी है ना, ठीक है, फिर तो फिर कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं इससे, आई थिंक मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो, क्योंकि मेरे को जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक ना अलग जगह बनानी पड़ेगी इसलिए। सो नो वनीला बिस्किट, एप्पल कॉफ़ी, भाई साहब कॉफ़ी चाहिए, अबे कॉफ़ी ख़त्म हो गई मेरी शॉप में, इतनी सारी कॉफ़ी रखी तो थी यार। चलो भाई आप कॉफ़ी ख़रीद लेते हैं अपन, और क्या चाहिए तुमको भाई, सिनेमन रोल चाहिए, टी चाहिए और कॉफ़ी, टी और टी है ना, ये तो स्पैगेटी हो गया, ये है टी, तो टी रोज टी, टी ठीक है भाई, ये टी मैंने इसको हाई प्राइस पे ख़रीद लिया भाई। हेलो अब रहने देता हूँ भाई, बहुत सामान ख़रीद लिया, मेरे को अभी कुछ और चीज़ें ख़रीदनी है, तुमको बताता है मैं क्या ख़रीदना मेरे को, टी दिल से बुरा लगता है भाई जब ये चीज़ मैं गलती से कर देता हूँ तो, सीरियसली भाई। ओके ये अभी से ही होने लगा है ना, ये पता नहीं क्या है मेरे साथ क्या होता रहता है कभी कभार तो। चलो भाई मतलब इतना बड़ा ट्रक ख़रीद लिया और मैं इतना सामान लेके भी नहीं जाने वाला इसका सबसे, बट कोई सीन नहीं है, तुम्हारा भाई ना इसको पूरा भरेगा जल्दी, उतरना साला इससे बैठ के रहा है इसमें। चलो इसको खोल देते हैं, आई मीन बंद कर देते हैं, और मैं जरा ना फर्नीचर शॉप पर जाकर आता हूँ, फर्नीचर शॉप पे मेरे को ज़रा थोड़ी बहुत दीवारें ख़रीदनी है, और आई वॉन्ट टू परचेज फ्यू थिंग्स,
जैसे कि हमारा, वैसे चिप्स का डिस्प्ले भी थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ मैं ना, थोड़ा अच्छे से पहले वेल मैनेज करके ना अपना पूरा स्टोर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, लाइक सारा सामान वगैरह खरीदेंगे। आई नो अपने को सामान लाइक प्रॉफिट के लिए सामान खरीदना ज़रूरी है, बट विल डू दैट, उसका कोई टेंशन नहीं है मेरे को अभी। आई थिंक 3 चिप्स का डिस्प्ले इज मोर देन इनफ, वैसे 3 में ज़रूरत है नहीं, 2 में काम हो जाएगा अपना। एंड यहाँ पे अपन दरवाज़ा खरीद सकते हैं, डोर फ्रेम खरीद सकते हैं, दीवारें मेरे को चाहिए। आई थिंक मैं दीवारें तो कितनी भी खरीद सकता हूँ, राइट, तो खरीद लेता हूँ थोड़े बहुत मैं, 1-2 ये खरीद लेता हूँ, दरवाजे खरीद लेता हूँ थोड़े बहुत, ठीक है। 50-50 के थे यार, लेकिन ना मेरे को अपना अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे, मेरे को अपने घर को भी अच्छे से सजाना पड़ेगा भाई। देख रहे हो पूरा घर का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, और एक बेड ख़रीदना है $350 का है भाई, कसम से यार, इतने महंगे महंगे बिस्तर है ना यहाँ, तो भाई भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बिस्तर बेडस्तर प्रो वॉट। ओके सो ये बेड मैंने ख़रीद लिया, आई होप सो कि मैं इसको अपने उसमें लगा पाऊँ, ठीक है। टेबल की ज़रूरत अपने को अभी है नहीं, मेरे को ना डेस्क वगैरह, डेस्क और हाँ मैं एक अपना ऑफिस बना सकता हूँ अलग सा, राइट, वी कैन डू दैट, लेकिन अपना शॉप इतना बड़ा है नहीं अभी, तो आई थिंक वी शुड डू दैट, लाइक मेरे को करना चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए रहेंगे भाई। इलेक्ट्रॉनिक से टेबल भी चाहिए अपने को एटलीस्ट, ओके तो 450 की है, 350 की है, तो मेरे को लग रहा है ना कि मे बी एक तो दो तो मेरे को ये ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है, ये नहीं ख़रीदूँगा मैं कभी भी, नहीं खरीदूँगा नहीं यार, या तो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा भाई ना बहुत डिज़ाइनिंग करके एकदम अच्छे से क्रिएटिव थोड़ा आइडियाज़ यूज़ करेगा, उसके बाद में बनाएगा, ठीक है। एक एक फ्रिज चाहिए था भाई, बड़े महंगे महंगे हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, सबको समझो कितने महंगे हैं। एक काम करते हैं, ब्रेड का स्टैंड, नहीं यार लेंगे तो बड़ी चीज़ें लेंगे भाई, ब्रेड का स्टैंड अलग है तो भाई लो, इसके एक फ्रिज के अंदर नहीं रख सकता क्या मैं भाई, इसके इसके लिए मेरे को अलग खरीदने पड़ेंगे यार, मेरे को ना नए सेल्स वगैरह भी खरीदने थे, बट कोई सीन नहीं है अभी, रुक जाओ पहले अपन घर चलते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ पहले मेरे को देखना तो क्या क्या चीज़ें हैं इस गेम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें, तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक्स का रूम अलग बनाना पड़ेगा, लाइक वो ओपन ही रहने वाला है, उसका कोई रूम वूम नहीं होने वाला, बट किस तरह से मैं मैनेज करने वाला हूँ सब देख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ऑफिस रूम बनेगा अपना, छोटू सा ऑफिस रूम होगा जहाँ पे बस अपनी टेबल चेयर रहेगी, डेस्क और ये चेयर, और उसके ऊपर अपना लैपटॉप, ठीक है, ये हो गया। और अपने को क्या चाहिए, फ्रिज हमारे पास एक ऑलरेडी है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है, लार्ज सेल्फ वगैरह चाहिए रहेगी, और मेरे को उससे पहले सबको सेल करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे पास घर पे ऑलरेडी रखा, आई मीन हमारे ऑफिस में जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, आई मीन हमारे शॉप में। मैं ऑफिस ऑफिस क्यों बोलता रहता हूँ भाई, इन रियल लाइफ भी ऑफिस नहीं जाता मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ भाई, हेलो। चलो नेवर माइंड, अभी एक जो है काम करते हैं, मेरा ट्रक है ना ये, सॉरी ये मेरा ट्रक नहीं है, मेरा लाल कलर का ट्रक है, ओके ओके। चलो गाइस अभी फटाफट से जो है यहाँ से निकलते हैं, अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली हैं, रात भी हो चुकी है, अभी मैं सोने नहीं जाऊँगा, टेंशन मत लो, मेरे को ना एक बार बेड लगा के यहीं पे चेक करना है कि मैं यहाँ पे सो सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मेरे को एक बार ना इसके स्पीड का सीन बताना कि स्पीड इसकी मेरे को, क्योंकि ना ट्रक तो काफ़ी फास्ट लग रहा है, गाड़ी से ज़्यादा फास्ट लग रहा है हमारी उस वाली से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये उससे लाइक इसका स्पीड का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे को, क्या सीन है। मैं वर्कर्स की सैलरी पे करना चाहता हूँ गाइस, आई रियली वॉन्ट टू, लेकिन मेरा खुद का बिजनेस डूबा हुआ है, अभी रुक जाओ भाई, मैं जितना सामान मतलब लिटरली ब्रो, मैं जितना ग्राइंड करके पैसा कमाता हूँ ना, पैसा यूँ खतान पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाता है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ ख़त्म हो जाता है मेरा पैसा पूरा का पूरा ब्रो। हेलो चलो रुक जाओ ज़रा, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, एक वॉशरूम बेडरूम अलग बना दूँ क्या इसमें, ओए ओए आराम से यार, एक तो ना ट्रक को ना थोड़ा मैनेज करने का भी दिक्कत है भाई बहुत ज़्यादा ही, आय हाय आराम से एक काम करता हूँ ना मैं, रुक जाऊँ इसको ना ऐसे पार्क कर देता हूँ ताकि आराम से सामान निकाल के ले जाऊँ इसमें से, रुक जा रुक गया, बहुत बढ़िया, चलो उतरते हैं इससे, एंड लेट मी चेक कि मैं इसमें बेडरूम लगा सकता हूँ कि नहीं, आई मीन बेडरूम कह रहा हूँ बेड लगा सकता हूँ कि नहीं अपना यहाँ पे, हाँ आई कैन प्लेस माई बेड ओवर हियर राइट, वेट अ मिनट, यू सी दैट, तुम लोगों ने सालों मेरा पैसा बर्बाद करवा दिया जानबूझ के, किसी ने तो बोला था कि बेड भी यहीं पे लगा दूँ, ये देख लो भाई ये लग रहा है बेडरूम यहाँ पे ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे लगाने के बाद में भाई, $350 मेरे ऐसे फालतू में खर्च करवा दिए तुम लोगों ने, हेलो ये क्या है, अच्छा ये टी है, रुक जाओ जरा मैं सब छोटी मोटी चीज़ें जो है ना इनको रख देता हूँ यहाँ पर जाके, पहले टी वगैरह जो भी कुछ है भाई ये इनको जमाना ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो फिर अपना ही बहुत ज़्यादा है ना सीन हो जाएगा, इसलिए साला एक एक चीज़ ना मैं पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ कर आ जाता हूँ भाई हर बार,
इसको भी रख देता हूँ यहाँ पर, इसको उठाते हैं फटाफट से, इसको रखते हैं यहाँ पर, इनको निकाल के इनको यहाँ पर रख देते हैं। रुक जाओ, एक एक डब्बे को आराम आराम से रखेंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया। सनस्क्रीन चाहिए किसी को, लगा लो भाई यहाँ से, फ्री में तो नहीं बेच रहा लेकिन बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, आई मीन फ़ायदे का ही सोचूंगा इसमें तो मैं, ऑब्वियस सी बात है गेम में तो भाई पैसा चाहिए मेरे को बहुत सारा। इस गेम में तो भाई मतलब पैसों की इतनी कमी है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, बस साला बहुत बुरा हाल हो जाता है। $2,000 भी मजाक है इसके अंदर भाई, सीरियसली। ओके सो अपन यहाँ पर आएंगे, पहले इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा मैं ऐसे इसके, अरे नाम का चलेगा सारे के सारे। ओके सो मेरे को टी चाहिए इसमें से पहले तो, एंड टूथपेस्ट चाहिए भाई इसमें से पहले मेरे को। सो या अपन एक काम करते हैं, पहले जो है 5 डब्बे मैं ऐसे लाइन में लगा देता हूँ, ठीक है। टी के टी ये रही, ठीक है भाई। एंड आ जा, रुक जाओ, एक काम करता हूँ ना, इसको यहीं पर रख देता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़। और ये हो गया 5वां डब्बा यहाँ पर, ठीक है, चलो वेरी नाइस। एंड इनको जो है एक के ऊपर एक रख देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर हो जाए। वैसे मैं पता एक और चीज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, लाइक समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब एक के ऊपर एक, समझ रहे हो, देखने में भी अच्छा लगेगा, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ये, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अपन, ठीक है, वो तो बिकना तो है ही सामान, कोई सीन नहीं है। इनको अपन ऐसा रख सकते हैं, वैसे तो इसके ऊपर ही ना मल्टीपल मैं रख सकता हूँ जितना मुझे लग रहा है। ये देख रहे हो तुम लोग भाई, ये टूथपेस्ट तो भाई इतने सारे आ जाएंगे ना लिटरली ब्रो, मतलब जगह की कमी नहीं है टूथपेस्ट के लिए तो भाई। हाँ ये तो कोलगेट लग रहा है भाई, लाल कलर का, अच्छा सॉरी क्या कहते हैं उसको, मैक्स फ्रेश वाला जो भी है, लिविट। चलो यहाँ पे मैंने रख दिया टू, क्या नाम है इसका, फेयर डेंट, अच्छा भाई, ओके, वी अटैक वी प्रोटेक्ट, ओके ओके ओके। रुक जाओ पहले मैं देखने तो क्या क्या, अरे यार इसका नाम क्या है। यहाँ पे सारे के सारे नूडल्स भी अपन ने रख दिए हैं भाई, देख रहे हो कितने ज़्यादा हो गए साले। मैं अगर यहाँ होता ना इस वाले शॉप, मतलब इन रियल लाइफ अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो भाई सबसे पहले सब कुछ खा जाता यहाँ पे। रुक जाओ ज़रा, अपन पहले वॉशरूम होकर आते हैं भाई, क्योंकि लास्ट टाइम अपन गए नहीं थे, मेरी अभी ना हालत थोड़ी ख़राब हो रही है इसलिए। रुक जाओ भाई जल्दी से इसको बंद कर दें, फटाफट से नहा ले भाई, एकदम फटाफट से नहा ले जल्दी से, वेरी नाइस, एंड फटाफट से मूट ले भाई जल्दी से एकदम। ओके चलो यहाँ पे अपना काम हो चुका है, एंड इसी के साथ जो है गाइज रुक जाओ ज़रा, अभी अपन रात के 3 बज रहे भाई अभी, सीरियसली। और जो अपन वेंडिंग मशीन, अरे ओ ये रही वेंडिंग मशीन भाई, काफ़ी बढ़िया, गेट फिट विद रेज फिट, अच्छा। और ये बैंक तो मैंने लगाया यहाँ पे, और भी कुछ तो लगाया था जितना मेरे को याद है, मैंने क्या लगाया था, रुको, सनग्लासेस डिस्प्ले ना, सनग्लासेस डिस्प्ले, अच्छा ये रहा वो, ओ इससे पैसा मिलता है मेरे को, वो मेरे को $1,200 मिल गए भाई, वेरी नाइस। लेकिन मेरे को ना गाइस घर पे ही जाना पड़ेगा सोने के लिए, और आई थिंक मे बी अगर मैं पैदल जाऊंगा तो, रुक जाओ, मुझे लग रहा है ना, अरे हाँ वैसे भी अपने को ना इस वाले पिकअप ट्रक की ज़रूरत है नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट, क्योंकि हमारे पास अभी ट्रक है तो इसकी ज़रूरत नहीं अपने को अभी बिल्कुल भी। इसको मैं फटाफट से लेके चलता हूँ यहाँ से, इसको ना घर पे पार्क कर दूंगा जाके, ठीक है। पर नहीं यार मेरे को ना इसको वापस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ना अपना समझ रहे हो मतलब शॉप पर ये होना चाहिए कि हाँ भाई गाड़ियाँ खड़ी है अपनी यहाँ पर, ठीक है, तो कभी भी जब भी मन करे अपन कुछ भी लेके जा सकें। रुक जा भाई ज़रा, ये भाई इसका देखो, इसका धंधा सबसे बेस्ट है भाई, ये कभी घर पे ही नहीं जाता हमारे लिए, यहाँ पे बस बैठा रहता है। चलो भाई इसने हमारी पूरा का पूरा पेट भर दिया इसने, चलो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, गोली होते हैं हमारे सीधे का सीधा घर पे, ठीक है। ओके तो गाइस यार अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं घर पे भी पहुँच चुका हूँ, सो अभी फटाफट से अपन अपनी गाड़ी से निकलते हैं एंड सोने के लिए चलते हैं भाई। मैं सिर्फ आई थिंक 2-3 घंटे की नींद लेने वाला हूँ पूरी की पूरी भाई। ओके तो बॉयज यार यहाँ पे काफ़ी ही प्यारी सी सुबह हो चुकी है, तुम लोग देख रहे हो, एंड आज हम लोगों ने एक पिकअप ट्रक नहीं खरीदा, एक ट्रक खरीदा है, ठीक है। उस ट्रक के अंदर अपन कितना भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं, एंड एक बार अपन फटाफट से हमारे जो है शॉप पे चल लेते हैं, मेरे को थोड़े बहुत चीज़ें चेक करनी है। और वैसे ना मेरे को अभी जो है ना दीवारें वगैरह भी लगानी थी जो अपन लेकर आए थे उन शॉप वगैरह से, ठीक है, लाइक फर्नीचर शॉप से जो अपन दीवार लेकर आए थे ना वो भी मेरे को लगानी है, लेकिन आराम से रुक जाओ, देखते अपन अगर अभी लगा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऑफलाइन बैठ के थोड़ा मतलब अगर गेम चालू रखूँगा ना तो सारा सामान बिक जाएगा, ठीक है, और
सारा सामान बिकने के बाद में मैं थोड़ा बहुत उसको जो है ना दोबारा से एडजस्ट कर सकता हूँ अच्छे से मेरे तरीके से, लाइक जैसे भी मेरे को रखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी करूँगा ना तो भाई अभी टाइम भी बहुत लगेगा सामान बिकने में, और वो सामान बिकने के बाद में उसको एडजस्ट करने में भाई फिर पैसा भी तो अपने को कमाना है ना, उसके लिए मेरे को फिर और सामान भी लेकर आना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा काम ना थोड़ा बहुत ऑफलाइन ही कर लूँ मैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और एक बार चल के देख लेते हैं कि मैं अभी कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ें मैं बना पाऊँगा तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। यार वैसे तो मेरे को अपने लिए ना एक ऑफिस रूम तो अभी बनाना ही था, डिज़ाइन करना था पूरा का पूरा। लेट्स एक छोटू सा रूम बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर एक काम करते हैं गाइस, अपन नेक्स्ट एपिसोड में ना अपने इस मार्केट को अपग्रेड करें अपन सेकंड फ्लोर में, क्या कहते हो? सेकंड फ्लोर इसी के ऊपर आएगा कि अपग्रेड होएगा, मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आ रही। एक तो अभी एक काम करूँ क्या, करके देखो अपग्रेड में इसको, पहले अपन ना सेव गेम कर लेता हूँ। मैं इसको अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ यार, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है कि इसका सेकंड फ्लोर कहाँ अपग्रेड होएगा, ठीक है। लाइक ऊपर जाएगा क्या इसका सेकंड फ्लोर? खरीद ले फिर, ठीक है। रुक जाओ, अपन जरा ना अपना इस शॉप को भी जो है ना अपग्रेड कर लेते हैं, रुक जाओ। तो सेकंड फ्लोर भाई 5000 चाहिए इसके लिए, लेकिन भाई 5000 के लिए तो ग्राइंड करना पड़ेगा। नहीं है गाइस मेरे पास पैसा नहीं, आई एम सॉरी अबाउट दैट। रुक जाओ जरा, मैं दीवारें लेकर आया था ना काफ़ी सारी, वॉल्स लेकर आया था, हाँ। तो अपन जरा इन वॉल्स को लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। मेरे को थोड़ी सी ना अच्छे से इनको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पर हो जाएगी, अच्छे से फिट हो जाए इसमें। ओके लग गई ना अच्छे से पक्का से। ओहो मेरे को ना इसको अच्छे से लगाने कहे भाई प्लीज़ यार, यार ना टेडी मेडी नहीं लगानी मेरे को ना, अच्छे से एडजस्ट करके लगानी है इसको, मैं बिल्कुल भी सीन नहीं चाहता इसमें। हाँ अभी जैसे यार ये ना थोड़ा सा पंगा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ना ऑफलाइन करना है कि सोच रहा हूँ इसको। अपन इसके अंदर ना क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले फ्रीजर को मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको कहीं और लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड बट मैं लाइक मैं क्या करने की सोच रहा हूँ ना, ये जो कैन की सेल्फ वगैरह होती है ना, अपन इनको यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ लगा सकते हैं इसको अपन कुछ इस तरह से यहाँ पे। और जो एक बड़ा वाला सेल्फ आता है ना इसका कैन वाला, उसको बीच में लगा दूंगा, और उसके बाद में मैं एक और जो है ना कैन वाला शेल्फ जो है ये वाला, इसको अपन यहाँ पे रख देंगे, समझ रहे हो। तो इससे क्या ना देखने में भी काफ़ी प्यारा लगेगा वो, ठीक है। एक बड़ा सा शेल्फ बीच में और बगल बगल में छोटे छोटे वाले शेल्फ, ठीक है। एक ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, एंड और तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं। चिप्स के डिस्प्लेस जो है ना इनको भी मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने एक यहाँ लगा रखा है राइट, तो मैं दूसरा भी लगा सकता हूँ। मान के चलो कि अगर मेरे को इस साइड में ना मैं कुछ ब्रेड वाला सिस्टम का कुछ ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से एक दीवार निकाल सकता हूँ इस वाले सेंटर पॉइंट से, ठीक है। रुक जाओ, मान के चलो कि ये वाला इसका सेंटर पॉइंट होता है, अब मुझे नहीं पता अच्छे से लगा है कि नहीं, बट जो भी है यहाँ पर तुम समझ लो कि आई जो नहीं करना था वो मैंने कर दिया, बट ठीक है कोई सीन नहीं है। यहाँ पर अपन मान के चलो एक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। एक जो है डिस्प्ले वाला एक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। जिससे क्या है ना ये देखने में भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा मेरा जो शॉप है ना वो ऐसा लगेगा थोड़ा ओपन है, ठीक है। लाइक इतना घिसपिस नहीं हो रखा है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया से अपन ने इसको डिज़ाइन करा हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑफलाइन थोड़ा एक बार डिज़ाइन सेट कर लूँ इसका, उसके बाद अपन इसमें अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो भाई इसको क्या ही बढ़िया लगेगा ये, उसके बाद में देख रहे हो यहाँ पे दीवार भी कितनी सही लग रही है, सेल्स वगैरह जिस तरह से लगे हुए हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। और सामान का तो कोई टेंशन नहीं है, बिक जाता है भाई इसलिए। सो अपन गेम सेव कर लेते हैं इसी के साथ में। तो यह गाइज आज किस एपिसोड को बस इतना रखते हैं। आज अपन लोगों ने जो है ना यहाँ पर रुक जाओ, एक प्यारा सा जो है बड़ा सा हमारा जो पिकअप ट्रक है, ट्रक नहीं सॉरी रुको, हाँ ये जो नॉर्मल ट्रक है ये खरीद लिया है भाई, काफ़ी बढ़िया, इसमें काफ़ी स्पेस भी है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं तुम लोगों के लिए ना यहाँ पे पूरा थोड़ा बहुत ग्राइंड करूँगा, और जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा ना तो हम लोग हमारे इस जो सुपर मार्केट है ना इसको अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। इसका सेकेंड फ्लोर अनलॉक करने वाले हैं, और उसके अंदर ना अपन लाइक मैं थोड़ा बहुत सेल्स वगैरह लेकर आऊँगा या तो एपिसोड के अंदर, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा पैसा भी हो जाएगा इसलिए। तो इसके अंदर अपन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पहले ना डिज़ाइनिंग सेट करेंगे पूरा, ठीक है इसका, उसके बाद में अपन इसको पूरा का पूरा रीस्टॉक करने वाले हैं ताकि अपने को मोटा पैसा यहाँ पर मिल सके, समझ रहे हो। मे बी मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप को जो है ना ऊपर की साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर अपन नीचे की साइड में अपन इलेक्ट्रॉनिक शॉप अनलॉक कर सकते हैं, और ऊपर वाले फ्लोर में ये सारे के सारे जितना भी सामान वाला सिस्टम है भाई पूरा ऊपर कर देंगे, ठीक है। वेल बहुत बढ़िया एकदम, मैं बनाने की सोच रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यार गाइस आज के इस एपिसोड को बस इतना रखते हैं। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।